तो आज हमारे पास आई है लोएड के इसी की पीसीबी, और इसमें जो एरर कोड आ रहा है वो E1 का आ रहा है। तो आज हम चेक करके देखेंगे कि इसमें ये एरर कोड किस चीज का है, और आपको फिर इसको रिपेयर करके दिखाते हैं। तो हमारे पास जो इसके एरर कोड की लिस्ट है उसमें ये एरर है इसकी कम्युनिकेशन वायर का है, कि ये इंडोर और आउटडोर की पीसीबी अपन एक दूसरे में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है। ये एरर आपका आउटडोर की पीसीबी में प्रॉब्लम होने की वजह से भी आ जाता है, और अगर आपकी वायर नहीं लगी होगी अच्छी तरह से, जो होती है हमारी सिग्नल वाली वायर होती है जो कम्युनिकेशन वाली 3 नंबर वाली, ये उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। तो आज हम चेक करके देखते हैं कि हमारी पीसीबी में प्रॉब्लम है या हमारी तार नहीं लग रही है अच्छी तरह से कम्युनिकेशन वाली। तो हमारे पास जो हमको फॉल्ट इस पीसीबी में मिला है वो तो यहाँ से इसकी तार स्पार्क कर रही थी, हमने इसका जोड़ अच्छे से लगा दिया है। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें बहुत सारे कारणों के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप देख सकते हो हमारी इंडोर वाली मोटर चल चुकी है, और 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर और आउटडोर की मोटर भी चलेगी, आपको दिखाएंगे फिर। अगर हमारी इसमें सप्लाई ना बन रही हो या कुछ इसमें शॉर्टेज हो आउटडोर की पीसीबी में, ये प्रॉब्लम तो भी इसमें आ जाती है। तो हमारे पास तो इसकी वायर की प्रॉब्लम थी, आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, एक प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको भी चला के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे आपको हमने बताया था, ये हमारी इंडोर की मोटर चल रही है और ये हमारी डिस्प्ले पर टेम्परेचर आ रहा है, ये आउटडोर की मोटर चल रही है और ये हमारी आउटडोर की पीसीबी है, और ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है। तो हमारा एरर इसमें से सॉल्व हो गया है, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। तो ये हमारी पीसीबी ओके है। तो अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम में ये एरर होता है, ये कम्युनिकेशन का एरर होता है।